नमस्कार। संकट और दुख हमेशा बड़ा रचते हैं। इस समय जब सब कुछ बंद है और जिंदगी थम सी गई है, रचनात्मकता को हम तक पहुंचाने का अकेला माध्यम सोशल मीडिया ही उपलब्ध है। शब्द संसार दिल से मैं सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूं। नीलम शर्मा, उदयपुर राजस्थान से, सिटी लाइफ के सहयोग से आओ मिलकर बुने शब्दों का ताना बाना। जैसा कि आप जानते हैं, इट्स अ बुके ऑफ लिटरेरी लाइव सेशंस। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज मिलते हैं दो अन्य नामचीन शख्सियतों से। एक है जयपुर से कल्पना जी और एक है मिर्जापुर की अनुराधा जी। हमारी सिटी लाइव टीम के प्रयास से आज हम मिलजुल कर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करते हुए एक संदेश हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। इकराम राजस्थानी जी का एक शेर है, हर अंधेरे में उजाला भी छिपा रहता है, हर अंधेरे में उजाला भी छिपा रहता है, रात ही लिखती है अफसाना नए सूरज का। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की मेहमान कल्पना जी से, जो रूबरू कराएंगी हमें अपने विचारों से, अपने नजरिए से। कल्पना जी, आप अपना एक छोटा सा परिचय दें और अपनी रचनाएं हमें सुनाए। जी नमस्कार। और मैं दो तो किताबें लिख चुकी हूँ। मैं कविताएं, मुक्तक, गीत सभी लिखती हूँ। मेरी जी, तीसरी किताब आने वाली है, माँ एक प्रेरणा। बहुत अच्छे। तो मैं आप सभी को मेरी रचनाओं में से एक प्रमुख रचना सुना रही हूँ, प्रकृति की व्यथा। जी। ये किसने कहा, ये किसने कहा कि मैं ठूठ हूँ। मैं प्रकृति का ही प्रतीक हूँ, एक पहचान हूँ अपने अस्तित्व की। अपने वजूद को स्तंभित करता हुआ धरा पर खड़ा एक मेहमान हूँ। जी, बहुत अच्छा। जड़ें अपनी गहरी जमाए हुए सबके दिलों में बसता एक इंसान हूँ। वाह। सहे हैं लाख झंझावात, सहे हैं लाख झंझावात, फिर भी अड़िग इस धरा पर अब पहरेदार हूँ। बीता एक युग, घर हजारों घर परिवार थे, फलते फूलते नव संसार थे, जी। खिलते हरे पात और महकते बागान थे। आया एक कहर हुआ वीराना, मगर खड़ा ढांढस की मैं फिर भी मशाले लिए देता संदेशा सभी को यही करोगे संरक्षण, करोगे प्रकृति का संरक्षण तो ही बचोगे तुम सभी। जो इस वक्त हम लॉकडाउन के साथ हाँ जी, बहुत खूब और बिल्कुल सामयिक रचना आपने जी सुनाई है, बहुत ही बढ़िया रचना। अब मैं नेक्स्ट आप रिक्वेस्ट करती हूँ अनुराधा जी से अपना छोटा सा परिचय दें और अपनी रचना से हमें रूबरू कराएं। अनुराधा जी, जी सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। मैं मिर्जापुर से हूँ जी और कविताएं भी लिखती हूँ, कहानियां भी, समीक्षाएं भी लिखती हूँ। और जी मेरी एक काव्य कृति आ चुकी है, और अंग्रेज के नाम से, और हाँ, लोकगीतों का संग्रह आने वाला है, मड़वा के छाँव में एक। और जी मैं एक कविता सुनाती हूँ, चार पंक्तियों स्वागत से है। हाँ शुरू करती हूँ कि जी, स्वागत है। लहरों सुनो, लहरों सुनो, तेरे विरुद्ध तैरना है मुझे। लहरों सुनो, तेरे विरुद्ध तैरना है मुझे। सागर के गर्भ में छिपे रत्न की तरह, कुछ सच्ची मोतियों और शंख की तरह, उत्तर स्वयं के प्रश्न का ढूंढना है मुझे। लहरों सुनो, तेरे विरुद्ध तैरना है मुझे। इन चार पंक्तियों से
एक कविता से जोड़ती हूँ जी। बहुत धन्यवाद। कविता का शीर्षक है, कविता का शीर्षक है अंधियारे से लड़ जाने को। वाह, सुनिएगा। अंधियारे से लड़ जाने को, अंधियारे से लड़ जाने को, एक दिया ही काफी है, प्राणों में अग्नि जो भर दे, एक चिंगारी काफी है। अंधियारे से लड़ जाने को एक दिया ही काफी है, प्राणों में अग्नि जो भर दे, एक चिंगारी काफी है। और अगली पंक्ति देखिएगा जी। कि कितने पत्थर हो राहों में, मंजिल कितनी दूरी हो, कितने पत्थर हो राहों में, मंजिल कितनी दूरी हो, राह बना दे दुर्गम पथ पर, राह बना दे दुर्गम पथ पर, एक ही मांझी काफी है। अंधियारे से लड़ जाने को एक दिया ही काफी है। और अगली पंक्ति अगर इजाजत हो तो सुनाऊं। हाँ जी, अवश्य अवश्य सुनाइए। पंख लगे पांवों में जिसके, पंख लगे पांवों में जिसके, बांध हवा को चलती है। पंख लगे पांवों में जिसके, बांध हवा को चलती है, माथे का चंदन बन जाए, एक ही बेटी काफी है। अंधियारे से लड़ जाने को एक दिया ही काफी है। और अगली पंक्ति सुनिएगा। गिर के मुरझा जाने को पुष्प नहीं खिलते हैं, गिर के मुरझा जाने को पुष्प नहीं खिलते हैं, होठों के मुस्कानों को एक सुमन ही काफी है। अंधियारे से लड़ जाने को एक दिया ही काफी है। और आखिरी पंक्ति देखेगा जी, स्वागत। अज्ञानों को दूर भगाए, अज्ञानों को दूर भगाए, प्रज्ञा का एक दीप जलाए, सब अंधियारा मिट जाएगा, एक हस्ताक्षर काफी है। अंधियारे से लड़ जाने को एक दिया ही काफी है, प्राणों में अग्नि जो भर दे, एक चिंगारी काफी है, एक चिंगारी काफी है। जी, वाह वाह, बहुत ही सुंदर रचना आपने सुनाई है अनुराधा जी। एकदम आपने माहौल बना बहुत दिया है। धन्यवाद। अब मैं अपना परिचय दे देती हूँ। मेरा नाम नीलम शर्मा है, उदयपुर से, और मैं अंग्रेजी अध्यापन का कार्य करती हूँ। लिखना एक शौक ही नहीं है, मुझे लगता है कि अपने आप को अभिव्यक्त करने का बहुत सशक्त माध्यम है। तो मैं बहुत सारे ब्लॉग्स, पत्र पत्रिकाओं में लिख चुकी हूँ। मेरे अपने ब्लॉग में 200 से अधिक कविताएं हैं जो शीघ्र ही पुस्तक का रूप लेने वाली हैं। और मैं अब आपको एक चार लाइन से अपना काव्य पाठ शुरू करती हूँ, उसके बाद आज के माहौल को देखते हुए एक नई कविता लिखी है वो प्रस्तुत करूंगी। तमाम दर्द रोज एक बादल बन जाते हैं, तमाम दर्द रोज बादल बन आसमान में टंग जाते हैं, उम्मीद है सावन में इस बार खारा पानी ही बरसेगा, उम्मीद है सावन में इस बार खारा पानी ही बरसेगा।
अब ये इन दिनों को लेकर जो अभी लॉकडाउन के दौरान जो माहौल है उसके ऊपर मैंने कविता लिखी है। इन दिनों बचपन लौट आया है, सुनाई वाह देते हैं पड़ोस में दादा दादी के साथ खेलते बच्चों के, क्वीन वजीर 3-2-5 जैसे जुमले, जो खेल अब तक वाह खो चुके थे वो जी पुनः हमें आसपास दिखाई दे रहे हैं। जी हकीकत इन दिनों बचपन लौट आया है, सुनाई में देते हैं पड़ोस में दादा दादी के साथ खेलते बच्चों के, क्वीन वजीर 3-2-5 जैसे जुमले, मीठा नीम लेने आई बच्ची को कल सिखाए पोशंपा और गुट्टे के नए खेल। और ध्यान से सुनो, आरतियां अब अकेले नहीं गाई जा रही, आरतियां अब अकेले नहीं गाई जी जा रही। कॉमिक्स के पन्ने पुनः सरसराने लगे हैं, जी बहुत खूब कॉमिक्स बिल्कुल के पन्ने पुनः सरसराने लगे हैं, पिता के साथ बच्चे खिलखिलाने लगे हैं, सब वाह मिलकर सुंदर देख पा रहे हैं गौर से बहुत आम खूब पर बौर का आना, सब मिलके देख पा रहे हैं गौर से आम पर बौर का आना, कोयल का कूकना, गिलहरियों का उछलना, चूंकि डोर बैल मौन है इन दिनों, चूंकि डोर बैल मौन है इन दिनों, मोबाइल लगातार चार्ज नहीं हो रहे हैं, गृहिणियों की व्यस्तता सिर कमर दर्द की हद तक नहीं जा रही है, और बुजुर्ग माथे पर सिलवटों के साथ चश्मे नहीं संभालते कि बेटा पोता क्यों ना आया अब तक। उम्र उम्र का एक निश्चित तबका निश्चिंत है, उम्र का एक निश्चित तबका निश्चिंत है कि बाल क्यों रंगने अभी, और चेहरा तो धूल धूप के बगैर यूं ही मुलायम हो गया है, छोटी होती जा रही है फुर्सत में किए जाने वाले कामों की फेहरिस्त, छोटी होती जा रही है फुर्सत में काम किए जाने वालों की फेहरिस्त, कैलेंडर तक बदलना याद नहीं रहा पहली बार, क्योंकि सब दिन एक से तो लग रहे हैं, से लगते हैं बिल्कुल ईश्वर से मिलजुल कर हो रही है प्रार्थनाएं, ईश्वर से मिलजुल कर हो रही है प्रार्थनाएं, सिर्फ अपना ही घर परिवार बचाने की नहीं, पहली बार हम दूसरों के लिए बहुत प्रार्थनाएं कर रहे हैं, सिर्फ अपना ही घर परिवार बचाने की नहीं, देहरियां बढ़ गई हैं तोड़कर सीमाएं, देहरियां बढ़ गई हैं तोड़कर सीमाएं, राष्ट्र धर्म जाति रंग की, कि संपूर्ण मानवता बन गई है एक अरदास, कि सब बन गई बहुत है सुंदर अरदास। धन्यवाद, एक अरदास उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई खूब होगी ये कविता। ये बहुत मैं सुंदर अब जी बहुत सुंदर बहुत कविता बहुत 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 शुक्रिया आप लोगों का। जी बहुत अच्छी अब मैं कल्पना जी से फिर गुजारिश करूंगी कि एक और छोटी सी कविता हमें सुनाने का मौका दें, सुनने का मौका दें। कल्पना जी आपने बहुत सुंदर कविता सुनाई उसके साथ जी धन्यवाद। ही हाँ जी भावों से जुड़ती हुई कविता मैं सुनाती हूँ। एक किरण रोज हाँ इशारा सवेरे एक किरण रोज सवेरे एक किरण मेरे दर पर आती है, नई सुबह का प्यारा संदेशा नित ही मुझे दे जाती है। जी गीत सुनाती कभी झूमती मुस्कान मुझे दे जाती है, नीरस जी मन हो भूल जाओ सब हौले से कह जाती है। नई चमक नित महकी पुरवा से घर आंगन भर जाती है, तमको भगाती नव जीवन देती ऊर्जा सिंचित कर जाती है। प्रकृति के मधुरम दृश्यों से जीना मुझे सिखाती है। आलोकित कर मेरा जीवन पथ राह नहीं दिखलाती है। बढ़ती रहना वो निरंतर कहती है, बढ़ती रहना कभी न थकना संदेश यही दे जाती है। रोज सवेरे एक किरण मेरे दर तक आती है। वाह, बहुत ही वाह प्रेरणास्पद कविता वाह आपने सुनाई है। बहुत धन्यवाद अब अनुराधा जी, एक और कविता आपकी तरफ से भी। जी बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छी कविताएं आप लोगों ने सुनाई। जी शुक्रिया। मैं एक स्त्री के विषय में कुछ पंक्तियां हैं।
सोचना, क्वार्टर। जी, सोचना उस स्त्री के विषय में। सोचना, आवाज जा रही है? हाँ हाँ बिल्कुल, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है, जी, सुनाइए। जी। सोचना उस स्त्री के विषय में जो दूर कुएं से, भर लाती थी मटके में जल और प्यास को सोख लेती थी। सोचना उस स्त्री के विषय में जो समुद्र मंथन कर निकाल लेती थी स्नेह और धर देती थी हमारी रोटियों पर। सोचना उस स्त्री के विषय में भी जी अनुराधा जी, बहुत ही अच्छी कविता आपने सुनाई हमें, और मैं अब कुछ पंक्तियां अपनी एक कविता की, जिसका शीर्षक है अनकही अभिलाषाएं, सुनाती हूँ। जी सुनाइए। अपने अपने हाथों में नई उंगलियां उगाकर, अपने हाथों में नई उंगलियां उगाकर लिखना चाहती हूँ मैं तुम्हारे बारे में। कुछ अलग शब्द, भाषा और व्याकरण, एक नया शब्दकोश बनाकर रचना चाहती हूँ वह कविता जिसमें घुले आंसू धो पोंछ कर लिख सकें तुम्हारे अनुत्तरित प्रश्नों के उत्तर, जो अब तक इंतजार में हैं तुम्हारे वर्तमान के इतिहास में बदल जाने के। तो ये पहली अनकही अभिलाषा है मेरी। मैं गढ़ना चाहती हूँ एक नई इबारत, मैं गढ़ना चाहती हूँ एक नई इबारत किताब के उन पन्नों से जो बार बार फड़फड़ाए तो, मगर तुम्हारी हथेलियों में पसीजने से पहले ही एक मातमी गीत सुनाकर बंद हो गए। उस गीत की गूंज आज भी मेरी नजर को कभी कभी धुंधला कर देती है और कदमों को बेगाना। एक दिन अचानक जन्म देना चाहती हूँ अभिमंत्रित सी बेसुध अभिव्यक्ति को, जो आंखें खुलते ही देख सके वे सारे सपने एक ही रात में, जिसकी आहट भी कतराती है आने से, कई कई जन्मों के गुजर जाने तक, और धीरे धीरे अर्थ ही खो देते हैं वे अपने होने, समरने, दिखने और साकार होने का। मुझे जीना है, अभी तो पूरा एक भविष्य है जो कपकपाते होठों के किनारे रुका पड़ा है। तुम्हारे इतिहास, गीत और अभिव्यक्ति के साथ रेत में दबी नमी सा अकेला, अपने भूरेपन में हरियाली छिपाए, ध्यान दीजिए, अपने भूरेपन में हरियाली छिपाए, वक्त की नारंगी किरणों की तपिश को झेलता, मिचमिचाती आंखों से वीरानों को ताकता। अभी तो बाकी है हमारी पलकों की नमी से, नखलिस्तान में वो सारे फूल उगाना जिनकी महक, अब भी हमारी चुप्पियों से बनी कविता सी ताजा है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर तो भाव है आपके धन्यवाद, शब्दों का, बहुत 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 धन्यवाद आप अच्छा। लोगों का। और ये समय अब हमें ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा है, तो जी मैं एक बात आपसे ये कहना चाहूंगी कि एक तो हमें आज आपके साथ बहुत ही अच्छा लगा, मजा हमें भी आया, बहुत, और मुझे लगता है जी सिटी लाइव का ये प्रयास बहुत ही बहुत अच्छा है, सराहनीय है, बिल्कुल बिल्कुल सराहनीय है, और काफी लोगों को हमसे जोड़ने में सफल हो रहा मदद है। करता है। बिल्कुल, तो इसी बात के साथ मैं अपना ये प्रोग्राम, ये प्रस्तुति समाप्त करने की इजाजत चाहूंगी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, सिटी लाइव की टीम को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद, और इसी तरह के प्रयास लगातार जारी रहें और हमें एक दूसरे से कनेक्ट जोड़ते रखें, रहें। जोड़ते रहें। धन्यवाद, जी नमस्कार। नमस्कार। सिटी लाइव, अ प्लेटफॉर्म टू शेयरिंग योर थॉट्स।